आज के दौर में यानी कि 21वीं सदी में दुनिया कहां की कहां तक पहुंच गई है, चाहे लाइफस्टाइल की बात हो या टेक्नोलॉजी की। ऐसा माना जाता है कि इंसान ने हर मामले में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है, और ये बात सच भी है कहीं ना कहीं। लेकिन आज भी लड़कियों के मामले में हमारे ही देश में कुछ लोगों का मानना ये है कि लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी। लड़कियों को कुछ समझ में नहीं आता है, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, उनको चुप बैठ रहना चाहिए, उनको बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए, अकेली लड़की कहां तक आगे जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी भारतीय महिला के बारे में बताने वाला हूं जिनका मानना था कि वो अंतरिक्ष के लिए ही बनी है। आज हम बात करने वाले हैं अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की सबसे पहली महिला के बारे में, यानी कि कल्पना चावला के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की बातें। हाय, मैं हूँ जसमीन पटेल और आप सबका जिजिल्स पर बहुत स्वागत है। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को पंजाब के करनाल के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके माता पिता बनारसी लाल चावला और संज्योति जी थे। कल्पना के अलावा उनको और दो बेटियां और एक बेटा था। कल्पना की बहनों का नाम सुनीता और दीपा और भाई का नाम संजय है। कल्पना सभी भाई बहनों में सबसे छोटी है, और उस वक्त के जमाने में, उस वक्त के समाज में कल्पना जैसी लड़की के जो ख्वाब थे वो बियॉन्ड इमेजिनेशन थे। मतलब लोग सोच भी नहीं सकते थे उस वक्त की ऐसे भी ड्रीम होते हैं, ऐसे भी ख्वाब होते हैं। कल्पना बचपन से ही तारों तक जाना चाहती थी। उन्होंने अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बचपन में ही तय कर लिया था, फिक्स कर लिया था कि वो एक एरोनॉटिकल इंजीनियर ही बनेगी। तो आगे चल के कल्पना चावला ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई पूरी की। हालांकि उनके पिताजी चाहते थे कि कल्पना डॉक्टर या फिर टीचर बने, लेकिन कल्पना चावला का ख्वाब बहुत ज़्यादा बड़ा था। अब उस वक्त हमारे देश में इस फील्ड में इतने ज़्यादा स्कोप्स नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा है, उस वक्त नहीं थे। तो कल्पना को अपना सपना पूरा करने के लिए नासा ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी था। तो जैसे ही उनकी यहाँ पर बीटेक की पढ़ाई पूरी हुई, वो मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चली गई। वहाँ पर टेक्सास यूनिवर्सिटी में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एमटेक की पढ़ाई की। अब जैसे मैंने बताया कि अंतरिक्ष में जाने की इच्छा बहुत ही उनकी प्रबल थी, बचपन से ही वो जाना चाहती थी, तो पढ़ाई इतना ज़्यादा वो करना चाहती थी इस बारे में। उसके बाद उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद 1988 में उनका नासा ज्वाइन करने का सपना आखिर पूरा हुआ। कल्पना चावला की नियुक्ति नासा के रिसर्च सेंटर में कर दी गई थी। कल्पना चावला एक प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थी जिनको हवाई जहाज, ग्लाइडर्स, कॉमर्शियल एरोप्लेन्स के लाइसेंसेस के लिए प्रमाणित उड़न प्रशिक्षक का दर्जा हासिल था। उनको सिंगल और मल्टी इंजन एरोप्लेन, सी प्लेन्स के भी लाइसेंसेस प्राप्त थे, और भी कई सारी उपलब्धियां उनकी थी। और उनके यही डेडिकेशन को देखकर 1993 में उनको नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में शामिल कर दिया गया। वहां पर भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी रिसर्च किया, और 1995 में उनको नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प में शामिल कर दिया गया। 3 साल बाद कल्पना चावला की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना आखिरकार पूरा हुआ। अंतरिक्ष के शटल में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के मिशन के लिए उनको चुन लिया गया था। अब कल्पना चावला के सपनों को पंख लग चुके थे। कल्पना चावला ने अपना पहला अंतरिक्ष मिशन 19 नवंबर 1997 को शुरू किया था। अन्य और 6 साथियों के साथ उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया STS-87 से उड़ान भरी थी। इसमें कल्पना जी को स्पार्टन सैटेलाइट के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन खराब स्थिति की वजह से वो अपनी भूमिका में असफल रही थी। टेक्निकल इश्यूज की वजह से सैटेलाइट ने ग्राउंड स्टाफ और फ्लाइट क्रू के मेंबर्स के नियंत्रण को रोक दिया था, लेकिन बाद में कल्पना जी ने इसे बिल्कुल सही साबित करके दिखाया। दूसरी तरफ कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला और दूसरी भारतीय बन चुकी थी। इससे पहले भारत के राकेश शर्मा ने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में 10.4 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की है, लगभग पृथ्वी के 252 चक्कर लगाने के बराबर ये डिस्टेंस होता है। उन्होंने स्पेस में 372 घंटे स्पेंड किए हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करते वक्त ये शब्द उन्होंने कहे थे कि आप जो कुछ भी होते हो वो खुद की बुद्धि का ही परिणाम होते हो। अपने पहले अंतरिक्ष मिशन STS-87 की सारी गतिविधियों को पूरा करने के बाद कल्पना चावला को एस्ट्रोनॉट कार्यालय में स्पेस स्टेशन पर काम करने की टेक्निकल जिम्मेदारी सौंपी गई, और उनके डेडिकेटेड वर्क के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। साल 2000 में कल्पना चावला को दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गया, और ये मिशन उनकी जिंदगी का आखिरी मिशन साबित हुआ।
इस मिशन के दौरान शटल इंजन प्रवाह लैंडर में कुछ टेक्निकल इश्यूज के साथ साथ और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे, और यही सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसकी उड़ान बार बार डिले होती रही। लेकिन लास्ट में 16 जनवरी 2003 को कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों ने मिशन कमांडर रिक हस्बैंड के नेतृत्व में STS-107 से उड़ान भरी। इसमें उनकी जिम्मेदारी माइक्रो ग्रेविटी के एक्सपेरिमेंट्स करने की थी। कल्पना जी ने अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन एक्सपेरिमेंट के जरिए पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा और उन्नत तकनीक विकास, ऐसे कई सारे अध्ययन किए गए थे। लेकिन फिर वही हुआ जिसे याद करके सबकी आंखें भर आती है। हाथों में फूल और गुलदस्ता लिए सबके स्वागत के लिए खड़े वैज्ञानिक और अंतरिक्ष प्रेमी सहित पूरी दुनिया उस घटना को देखकर शोक में डूब जाती है। अंतरिक्ष यान को धरती पर उतरने में सिर्फ 16 मिनट रह गए थे और अचानक शटल में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है और उसमें जो भी अंतरिक्ष यात्री थे सबकी मृत्यु हो जाती है, कल्पना चावला समेत। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते ही अचानक टूटकर बिखर जाता है और अंतरिक्ष यान और सभी अंतरिक्ष यात्रियों के अवशेष टेक्सास नाम के शहर पर बरसने लगते हैं। हरियाणा के एक कस्बे करनाल में जन्मी, जिंदगी के तमाम उतार चढ़ावों से गुजरते हुए कल्पना चावला ने तारों तक का सफर कर लिया था, लेकिन खुद एक सितारा बन गए। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्पेस शटल कोलंबिया के उड़ान भरते ही ये पता चल गया था कि वो कभी भी धरती पर सुरक्षित नहीं उतरने वाला है। ये तय हो गया था कि सातों अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया था। यात्रा में हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक करती कल्पना चावला और उनके 6 अन्य साथियों को ये बनक तक नहीं लगने दी गई थी कि वो लोग कभी भी धरती पर नहीं उतर पाएंगे। वो लोग अपने मिशन में जी जान से लगे रहे, एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे और बदले में नासा ने उनको ये पता तक नहीं लगने दिया कि वो लोग कभी भी धरती पर नहीं उतर पाएंगे, सिर्फ उनके टुकड़े ही धरती पर आने वाले हैं। कल्पना चावला भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो आज भी सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की करोड़ों लड़कियों की आदर्श है। आज की लड़कियों को यह सोचना चाहिए कि कल्पना चावला अगर एक मिडिल क्लास परिवार से आते हुए अंतरिक्ष तक का सफर कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि उस वक्त जब कल्पना चावला ने ये सारे मिशन किए थे तब भारत इतना आगे नहीं था इस फील्ड में, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया को टक्कर दे रहा है। सेफ्टी फीचर्स भी बढ़ गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एजुकेशन भी मिल रहा है आसानी से। देर किस बात की है। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और एक बात आपसे बतानी थी कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप जो बेल आइकन दबाते हैं उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। अब उसमें आपको ऑल पे क्लिक करना जरूरी है। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल का होगा, उस पर क्लिक करना ना भूले। उसको क्लिक करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, तो ये बात का आप ध्यान रखना। अगर आप मुझसे डायरेक्ट व्हाट्सअप के थ्रू जुड़ना चाहते हैं तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यू कैन ज्वाइन मी हियर। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप जी चिल्स के वीडियोस को फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक के ऊपर भी हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको 3 लोगों के नाम बता दूँ जिन्होंने KR अडवाणी वाले वीडियो में पूछे गए सवाल का बिल्कुल सही जवाब दिया है। सवाल ये था कि MS धोनी फिल्म में कियारा के अलावा और कौन सी एक्ट्रेस ने एज ए लीड काम किया हुआ है। नोट में बताया गया था कि एज ए लीड एक्ट्रेस की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब है दिशा पट्टी। टॉप 3 में जिन्होंने आंसर किया उनके नाम है विशाल के गोस्वामी, DJ कुमार एंड विक्रम साहा। वेल डन गाइस, आप तीनों को हमारी तरफ से 10-10 पॉइंट मिलते हैं। और एक बात, पिछले बहुत सारे वीडियो से मैंने मार्क किया है कि दालचंद बाघेल जी हर बार कमेंट करते हैं कि PM मोदी के ऊपर वीडियोस बनाई है और बड़ी लंबी कमेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं। एक्चुअली इसलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि अभी उनके ऊपर फिल्म आई है और भी बहुत सारी चीज़ें, आप ऑलमोस्ट सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, बट फिर भी इतनी रिक्वेस्ट किसी टॉपिक के लिए अभी तक आई डोंट थिंक आई है, मैंने देखी है। तो आई थिंक बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये हम आपके ऊपर ही छोड़ेंगे कि आप आज बताना आप लोगों का क्या कहना है कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, नरेंद्र मोदी की ज़िंदगी के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, क्या आप देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। जो भी है कमेंट करके बताना, तो हम डिसीजन ले पाएंगे कि इस बारे में कुछ कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। और जाते जाते आज का सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि कल्पना चावला का जन्म कब हुआ था। वीडियो में मैंने बताया है
सर्च करना है तो कर सकते हो, कमेंट करो और अपने अकाउंट में 10 मिनट को जोड़ दो। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।